10वां राष्ट्रीय रोजगार मेला देशभर में 37 जगह पर आयोजित किया गया। दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित मुख्य समारोह में सरकारी नियुक्ति पत्र पाने के बाद युवाओं में काफी जोश देखने को मिला, खुशी देखने को मिली, आपको भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं, आप कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। काहे में नियुक्ति हुई है? ये मेरा BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पद पर मेरा चयन हुआ है और मैं इस पोस्ट से लेकर अपने बहुत खुश हूँ और मैं अपने पूरे देश की सेवा करने में बहुत आगे समर्थ रहूँगा। आपको भी नियुक्ति पत्र मिला है, किस विभाग में नियुक्ति हुई है? जी मुझे मेरा CPWD JEE के पद पर नियुक्ति हुआ। और ये जो नियुक्ति पत्र मिला है क्या खास है और क्या मैं आपको इसमें उम्मीदें पूरी करने वाला है? सर मतलब JEE के पद पे हम देश की मैं अपना समर्थन दें वो करेंगे, सहयोग करेंगे। और यही वजह है कि यहाँ पर युवा है, महिला जो नियुक्ति उनको मिली है। आपको किस विभाग में नियुक्ति मिली? सर मुझे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में NCC GCI की पोस्ट में वैकेंसी। तो ये जो रोजगार पत्र आपको मिला है, जो संबोधन रहा है, क्या खास रहा है, महिलाओं को विशेष फोकस किया है? जी सर, इस बार 21% महिलाओं ने अपनी भागीदारी दी है और मैं इससे बहुत खुश हूँ क्योंकि जो वैकेंसी पहले 3 साल या 4 साल लगते थे अभी सिर्फ 10 महीने में हमें नियुक्ति पत्र मिल गया है। विज्ञापन से अभी 10 महीने में हमें नियुक्ति पत्र भी मिल गया, इससे हम बहुत खुश हैं। वक्त लगा आपने जब ये एग्जाम दिया और उसके बाद ये नियुक्ति पत्र मिला? लास्ट ईयर अक्टूबर में ही ये वैकेंसीज आई थी और अभी अक्टूबर में ही मेरे पास नियुक्ति पत्र मेरे हाथ में है, तो मैं इसे बहुत खुश हूँ कि बहुत जल्दी एक्शन हो रहे हैं। और आप कहाँ से आए हैं? नोएडा सर, नोएडा। अच्छा, कहाँ में आप नियुक्त हुए हैं? हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। चलिए, और आपसे बात करेंगे क्योंकि महिलाओं पर विशेष फोकस इन नियुक्तियों में हुआ है। कौन से विभाग में आपको नियुक्ति मिली? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर। ये कब भरा था आपने फॉर्म और कितना इसमें अंतराल लगा आपको नियुक्ति में, कैसे आप बताएंगे, क्योंकि पूरा प्रक्रिया अगर बताएं? प्रोसेस काफ़ी जल्दी हुआ है, SSC का नॉर्मली काफ़ी 2-3 साल लगते थे, इस बार आई गेस 1 ईयर के अंदर प्रोसेस प्रॉपर कम्प्लीट हो चुका है। रिजल्ट काफ़ी जल्दी आ गया था तो और काफ़ी अच्छा हुआ है, प्रोसेस जल्दी हुआ है। लास्ट ईयर अक्टूबर के आसपास निकला था फॉर्म। धन्यवाद बात करने के लिए। और राष्ट्रीय रोजगार मेला ये 10वां रोजगार मेला था और इस मौके पर यहाँ पर अलग अलग विभागों में इनको नियुक्ति पत्र मिले हैं और इसी के साथ चुनावी टाइमिंग में खास तौर से ये नियुक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बड़ा मैसेज देते हुए राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री भी नजर आए हैं, हालांकि यहाँ पर सरकार कह रही है कि इन नियुक्तियों को चुनावी टाइमिंग से ना जोड़कर देखा जाए क्योंकि ये प्रक्रिया पहले से ही चलती आ रही है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।